अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो अंधभक्तों का पहचान शक्ल से लगता था, लेकिन अब अकल से भी लगने लगा। उसका पहचान ये ही कि आप चक्रपाणि महाराज जी का एक वीडियो पहले देखें, फिर बात करते हैं हम लोग। कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा करके वहाँ का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। अच्छा, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस तरह आपने चक्रपाणि महाराज जी का वीडियो को देखें, आप बताइए इससे आपको क्या सबक मिला, आप इसमें क्या सुने समझे? ये कह रहा है कि चांद को जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बता सकते हैं, पहले देश के बारे में ये लोग बोल रहा था, लेकिन अब तो चांद पर भी ये लोग अपना हक जताने लगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इन्हीं को चांद का जो है प्रधानमंत्री बना करके भेज दिया जाए, और ये जो है चांद पर जा करके रहेंगे और वहाँ के हालात देखेंगे। इतनी गर्मी वहाँ पे होती है, इतनी ठंडी होती है कि ये जो है एक ही दिन में निमट जाएगा। चांद में गर्मी 127 सेंटीग्रेड है, इसलिए जल जाता है वहाँ, और सर्दी 173 सेंटीग्रेड है, इसलिए जिस हिस्से पर सर्दी पड़ती है वहाँ बर्फ हो जाता है। जमीन पर ऐसा नहीं है, सर्दी भी मुनासिब रखा अल्लाह ताला ने, गर्मी भी मुनासिब रखी, इसलिए यहाँ आदमी जिंदा रह सकता है। इतनी गर्मी वहाँ पे होती है, इतनी ठंडी होती है कि ये जो है एक ही दिन में निमट जाएगा। तो ऐसे बात करने वाले लोग जो है बहुत मिलेंगे आपको, इससे फिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये लोग का काम ही है ऐसे बकवास करना। ये लोग जो है बैठ जाते हैं, कोई काम तो है नहीं, बस कर रहे हैं बकवास। तो इन लोगों से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी तरीके का परेशानी है, तो इन लोगों को करने दीजिए। जानता बनता तो कुछ है नहीं, बस बकर है। इससे पहले भी एक इसी तरह का था कोई, वो कह रहे थे कि चांद पर जो गया है उसको आने के बाद उसका जो है बहुत ही पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया जाएगा। तो बता सकते हैं चांद पर कोई गया है कि उसमें रोबोट को भेजा गया है? इन लोग जो है समझ रहे ये हैं कि चांद पर जो है लोग घर बना रहे हैं, चांद पर जो है लोग अपना रहने सहने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चांद पर जो है रोबोट को भेजा जा रहा है, और रोबोट के ज़रिए से वहाँ के हालात को पता किया जाता है, और ये पाखंडी लोग जो है अब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो ठीक है, बना दो, चांद को बना दो हिंदू राष्ट्र, लेकिन देश तो नहीं बनेगा। अब तुम चांद पर ही जा करके जो करना है करो, बिल्कुल फुल इजाज़त है। हम लोग जो है चांद पर जाने रोकने भी नहीं जाएंगे, हम लोग रोकने नहीं जाएंगे आप लोगों को। चांद पर जो करना है करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, बाकी अपना प्रधानमंत्री बना लो, हर चीज़ बना लो, और जितना आप लोगों का साथ देने वाला है सबको लेकर चल जाओ, ताकि वो लोग भी चांद पर जा कर के चैन सुकून से रहे। चक्रपाणि महाराज जी, आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने मानने वाले तमाम के तमाम लोगों को लेकर के चांद पर रवाना हो जाएं, ताकि आपको चैन सुकून मिले।